नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी नेट न्यूज। यूपी के जनपद मऊ में कल गुरुवार को घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र के पकड़ी बुजुर्ग गांव में 30 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार को पुलिस ने घटना में लिप्त अभियुक्तों का गिरफ्तार कर लिया है। और रिंकी का मामला, मृतक से उसका 8-10 सालों से प्रेम संबंध चल रहा था और उसकी शादी भी हो गई थी। रिंकी की ससुराल वालों ने छोड़ दिया, मृतक के ही वजह से छोड़ा गया था। इसका यह कहना था कि भाई हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, या तो तुम हमसे शादी करो, अन्य तो हमसे प्रेम क्यों किए। और इसी आवेश में मेरे ख्याल से उसकी हत्या हुई है। ये मतलब ये उस रात क्या करने गया था उसके घर पे? अब आज तो क्या दबाव बना आज रहा था? तो उसको बम्बई जाना था जी, और बम्बई जाने के पहले क्या घटना हुई इसके बारे में बहुत हमें जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर दोनों में एक साथ रहने की कुछ बातचीत हुई थी जी, और जिससे मुकरने पर यह हत्या हुई है। क्या शोधन शादीशुदा था या वो? शोधन भी शादीशुदा था, रिंकी भी शादीशुदा। फिर शोधन क्यों इतना इसके पीछे पड़ा हुआ था रिंकी के? रिंकी के पीछे शोधन नहीं पड़ा था, बल्कि शोधन के पीछे रिंकी पड़ी थी। अच्छा, और वो चाहती थी कि हमारी ज़िंदगी उजड़ गई जी, तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं शोधन को जाता है। वो हमें पत्नी बनाए और रखे। अच्छा। वो तैयार नहीं हुआ तो उसकी हत्या कर दी जी। तो क्या ये घटना जो कारित की गई है, क्या इसके लिए क्या हथियार इस्तेमाल किया है रिंकी ने, को आपको कुछ बताया? अब रिंकी ने तो कोर्ट के सामने जुर्म से इनकार किया है जी, बाकी थाने में, पुलिस में, हर जगह उसका यही कहना है कि गोली मैंने मारी है जी, लेकिन कोर्ट में उसने इनकार किया कि मैंने गोली नहीं मारी है। ये कितने बजे रात को ये घटना लगभग 10-11 बजे रात की है, और उसका भाई भी कुछ नहीं जानता है, उससे भी मेरी बात हुई है जी। रिंकी कोर्ट मतलब जुडिशियल कस्टडी में चुकी थी जी, तो कोर्ट के बाहर, जज के बाहर तो यह कहते मिले कि हत्या मैंने किया है जी, लेकिन जज के सामने उसने हत्या से इनकार किया। क्या माना जाए कि जो ये पूरी दास्तान है दोनों शादीशुदा होने के बावजूद भी, क्या ये नाजायज संबंधों की तरफ इशारा है? नहीं, ये नाजायज संबंध नहीं कहा जाएगा। शादी के पहले दोनों के प्रेम संबंध थे, और कहीं ना कहीं मृतक परिवार के लोगों के दबाव की वजह से दोनों का रिश्ता पति पत्नी का जुड़ नहीं पाया। और रिंकी की शादी फतेहपुर तालनरजा में हुई थी, वहाँ जब इसकी सुगबुगाहट हो गई कि इसका प्रेम संबंध मृतक से है, तो उन लोगों ने भी छोड़ दिया, पंचायत वगैरह भी हुई। अब यह चाह रहे थे कि मृतक हमको अपने साथ पत्नी बनाकर रखे, लेकिन इसने 1-2 साल पहले शादी भी कर लिया, उसके अभी कोई बच्चे नहीं हैं, तो उसका यह कहना था कि तुम्हारे वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई, तुम मुझे पत्नी बनाओ, और उससे वो मुकरा, जिसकी वजह से यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। शोधन नहीं रहना चाहता था? शोधन उसके साथ पत्नी के रूप, उसे पत्नी नहीं बनाना चाहता। अचानक उस रात कैसे पहुंच गया जब वो नहीं रहना चाहता था, तो फिर पहुंच कैसे गया? आज उसको बम्बई जाना था, सोचा कि बम्बई जाने से पहले उससे मिल लें जी। अब चाहे बुलाया गया हो, चाहे यह स्वयं मिलने गया हो जी, और चूंकि दोनों अगल बगल के रहने वाले हैं जी, इस नाते मिलना जुलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य बात। कल प्रातः काल सूचना मिली कि घोसी थाना क्षेत्र के पकड़ी बुजुर्ग गांव में, जो बड़ा सा तालाब है उसके किनारे एक घर के पीछे, शोधन पुत्र मुकेश महेश की, जो लगभग 30 साल थी, गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर सबसे पहले PRB, फिर इंस्पेक्टर, फिर क्रमशः सभी पुलिस स्वाट टीम को भी लगाया गया। घटना के कुछ सूत्र ऐसे थे कि जो बगल में घर था दरबारी का, उस पर एक चारपाई थी जिसकी जो खून लगा हुआ था, तो ये शंका हुई कि यहीं पर घटना हुई है। मृतक की पत्नी की तरफ से इस संबंध में कल दोपहर में एक मुकदमा भी धारा 302 का क्राइम नंबर 22/2020 पर शुरू किया गया था, जिसमें रिंकी पुत्री दरबारी एवं उसके परिजनों द्वारा हत्या किए जाने की बात की गई थी। पुलिस टीम को, सर्विलांस टीम को और स्वाट टीम को लगाया गया था इस घटना के अनावरण में कौन कौन घटना में शामिल थे, प्लस गिरफ्तारी के लिए। तो थानेदास मोड़ से अभी दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, मुख्य अभियुक्त रिंकी पुत्री दरबारी और इनके भाई रविंदर को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक
तमंचा 315 बोर जो खोखर कारतूस और मौके से मिला पैलेट भी है, इनसे पूछताछ की गई तो जो खून से सने हुए कपड़े थे वो बेचना का विषय है, वो भी गिरफ्त किए गए हैं। रविंदर पुत्र दरबारी को भी गिरफ्तार किया गया है और हमारी पुलिस टीम में परमानंद मिश्रा जी, इंस्पेक्टर घोसी, इनके साथ इनके हंगाई पुलिस फोर्स विनोद कुमार दुबे सब इंस्पेक्टर और स्वाट डिटी के अमित मिश्रा और उनके साथ की पूरी टीम रही है। कल इस सनसनीखेज वारदात को गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जा रही है, पीड़ितों को जेल भेजा जा रहा है। वजह क्या थी सर? पूछताछ में जो स्वीकार किया है वह यह है कि काफ़ी अर्सा पहले प्रेम संबंध था इस लड़की का जो हमारे पीछे है और बाद में उसकी शादी हो गई। कल किसी बात को लेकर के आपस में झगड़ा भी हुआ था। ये तो अपनी बात बता रहे हैं, दूसरा पक्ष इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल उसके साथ रहना चाहती थी, अलग होना चाहती थी, इसी पूर्व के प्रचलित प्रेम संबंध की परिणत इस दुखद घटना के रूप में जिसमें मुलजिमा ने मृतक की हत्या कर दी। तो कल गोली किसने मारा था? घर में बुलाया गया था, गोली लड़की ने मारी, लड़की नहीं मारी, घर में बुलाया गया था, अपना अपने प्रेमी को ही गोली मारी। अब ये सब विवेचना का विषय है, सारी चीजें सर घर में बुलाया गया था उसको, घर तो 100 मीटर की दूरी पर आना जाना था, घर पे कोई था नहीं, तो मिलने के बहाने बुलाया। और भाई के द्वारा घटना कार्य किया गया कि ये भी इन्वॉल्व थी घटना में, गोली चलाने की भूमिका विवेचना का विषय है, प्रेस को बहुत नहीं बताऊंगा लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि घटना कारित करने में मुख्य भूमिका लड़की की।